महाराज की जय हो 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 महाराज की जय हो। महाराज धान की रोपाई हो चुकी है, कुछ ही दिनों में 3-4 पत्ते निकल आएंगे। हमको लगता है हमला करने का समय आ गया है। महाराज की जय हो। हमें सिर्फ हमले के बारे में नहीं सोचना है, हमें ये भी ध्यान रखना है कि जब हम हमला करें वो समय शीत ब्लाइट के लिए सबसे उपयुक्त हो और हमारे हमले का किसान को बिल्कुल पता ना चले। सुनो सब ध्यान से, धान के खेत पर हमला करने का सही समय तब होता है जब धान में फुटाव का समय होता है। उस समय हम सब पानी में तैरकर अपने लिए अलग अलग पौधा ढूंढेंगे और पहला हमला छुप कर करेंगे। किसी को पता भी नहीं चलना चाहिए कि शीत ब्लाइट का हमला हो चुका है, क्योंकि इस समय पौधा बहुत तेजी से बढ़ रहा होता है और हमारे लिए हमला करने का सही समय यही है। ध्यान रहे, इस समय हमें फेंडर से बचना है, क्योंकि अगर इस समय फेंडर का छिड़काव हो गया तो हमारी पूरी पीढ़ी नष्ट हो जाएगी। इस समय हमें किसी को दिखना नहीं है, इसलिए हमें हमला छुप कर ही करना है, बिना किसी के नजर में आए। बहुत चालाकी और सावधानी से अपने अपने पौधे पर कब्जा बनाए रखना होगा और अंदर ही अंदर पौधे को नुकसान पहुंचाना होगा। इस तरह से हमारी संख्या ज्यादा से ज्यादा बढ़ेगी और बढ़ी हुई संख्या धान के पौधे को नष्ट कर देगी, तब जीत हमारी होगी। बस पहले कुछ दिन हमें पौधे पर छिपकर हमला करते रहना होगा, बस इस फेंडर को हमारा पता ना चले। हम 7-8 दिन में अपनी संख्या इतनी बढ़ा देंगे कि पूरी तरह से पौधे के तने को ढक ले। अगले 5-6 दिन हम एक पौधे से दूसरे पौधे पर फैलना शुरू कर देंगे। अब अगर 2-4 पौधे हमारे आक्रमण से कमजोर पड़कर दिखने भी लगे तो कोई बात नहीं, लेकिन ध्यान रहे इस समय हमारी संख्या ज्यादा हो और नुकसान कम दिखे। अगर इस स्तर पर किसान का ध्यान हमारी तरफ नहीं गया तब हमें कोई नहीं रोक पाएगा, हमारी ताकत बहुत तेजी से बढ़ने लगेगी। अब हम पौधे के निचले स्तर से चोटी की तरफ फैलना शुरू कर देंगे और पूरे पौधे पर अपना कब्जा कर लेंगे। अब अगर हमारे लक्षण दिखे भी तो किसान हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, लेकिन हाँ एक बात सुनिश्चित कर लो, उस समय हमारी संख्या बहुत अधिक होनी चाहिए और ज्यादा से ज्यादा पौधे हमारे कब्जे में होने चाहिए। अब हमारा सिर्फ एक ही उद्देश्य है, पूरी फसल को नष्ट करें और अपनी संख्या को बढ़ाएं। हमारी फौज इतनी मजबूत और संख्या में इतनी ज्यादा हो कि हम साल दर साल शीत ब्लाइट का नाम रोशन कर सकें। मूर्ख फफूंद, तू अब भी अपने आप ख्याली पुलाव बना रहा है। बेवकूफ फफूंद, तूने ये कैसे सोच लिया कि किसान फुटाव के समय मेरा यानी कि फेंडर का इस्तेमाल नहीं करेगा? किसान मेरा इस्तेमाल करके तुम्हारी पूरी पीढ़ी को नष्ट करेगा और अपनी फसल को बचाएगा। अगर किसान फुटाव के समय फेंडर का इस्तेमाल करता है तो मैं न केवल फसल को दुष्ट फफूंदी से बचाऊंगा बल्कि किसान को अच्छी और मजबूत पैदावार भी दिलवाऊंगा। मेरे पास डबल पावर है, डबल। मैं फफूंदी को मार भी सकता हूं और तुम्हें बढ़ने से रोक भी सकता हूं। तुम्हें एक बात तो पता ही नहीं है मूर्ख फफूंद कि मुझमें हाइपर फ्लो टेक्नोलॉजी भी है, जिसकी वजह से जहां जहां तुम हमला कर सकते हो उस जगह पर मैं पौधों को अधिक और तेजी से सुरक्षा दे सकता हूं। मेरी पत्तों पर चिपके रहने की ताकत फसल को पूरी सुरक्षा देगी, पौधों को तुम जैसे फफूंदों से बचाऊंगा। अगर तुमने तना में जाकर पौधों को नुकसान पहुंचाना शुरू कर भी दिया तब भी मैं तुम्हें मार कर पौधों को सुरक्षित कर सकता हूं और तुम्हारी
संख्या को बढ़ने से रोक सकता हूँ। तुमने ऐसा सोच भी क्यों लिया कि किसान मेरा यानी फेंडर का इस्तेमाल नहीं करेगा और तुम दुष्टों को फसल को बर्बाद करने देगा? भागो भागो फेंडर आ गया, भागो भागो फेंडर आ गया, भागो। ए, सुनो सब, कहाँ जा रहे हो? घबराओ मत बच्चों, मेरा कई सालों का और पिछली कई पीढ़ियों का तजुर्बा है, किसान कभी भी फुटाव के समय शीत ब्लाइट की रोकथाम के लिए दवाई का इस्तेमाल नहीं करता। वो तब तक अनजान बना रहता है जब तक उसकी फसल को नुकसान ना हो। जब उसकी फसल शीत ब्लाइट से पूरी तरह बर्बाद हो जाती है तब वो महंगी फपून नाशक खरीदता है, मात्रा बढ़ाता है और कई बार तो वो अलग अलग दवाई भी इस्तेमाल करता है। मैंने तुम्हें पहले भी बताया है, इस स्तर पर कोई भी फपून नाशक हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो इस फेंडर से हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है। फेंडर हमेशा दुकान पर ही पड़ा रहेगा और अगर किसान ने फेंडर खरीद भी लिया तो उसके घर पर ही रखा रह जाएगा। किसान दूसरे कामों में व्यस्त रहेगा, बस एक बार दिन में आकर फसल देखेगा। अरे उसके पास इतना समय कहाँ कि खेत पर ध्यान दे। तो डरने की कोई जरूरत नहीं है। मूर्ख फफूंद, मैं तुम्हें ये जानकारी दे दूं कि किसानों की सच्ची मित्र पीआई इंडस्ट्रीज और मैं यानी फेंडर किसानों को मेरे सही समय पर प्रयोग करने को जागरूक करेंगे। और मैं ये भी जिम्मेदारी लेता हूं कि यदि फुटाव के समय मेरा 300 मिलीलीटर प्रति एकड़ की मात्रा पर प्रयोग हो गया तो न केवल मैं तुमसे धान की फसल को बचाऊंगा पर एक मजबूत फसल का आधार भी रखूंगा। मैं दो शक्तिशाली फंगीसाइड का मिश्रण हूं, मुझ में क्षमता है अलग अलग तरीके से शीत ब्लाइट को मारने की और रोकने की। मैं फफूंदी की कोशिकाओं में ऊर्जा उत्पादन को रोक देता हूं और फफूंदी की कोशिका भित्ति नहीं बनने देता। मैं सिर्फ धान को शीत ब्लाइट से ही नहीं बचाता हूं, साथ साथ धान को अच्छी नींव भी देता हूं। मेरे किसान भाई, मेरा इस्तेमाल 300 मिलीलीटर प्रति एकड़ में करना और ध्यान रहे 300 मिलीलीटर फेंडर को 150 से 200 लीटर पानी में मिलाकर खेतों में छिड़काव करना जिससे ये फसल के चारों तरफ सही तरीके से फैल जाए। मेरा इस्तेमाल फुटाव के समय करना और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि शीत ब्लाइट की समस्या से छुटकारा दिलाऊंगा। मुझ में है डबल पावर, मैं शीत ब्लाइट को मार सकता हूँ और पौधों को सुरक्षा भी प्रदान कर सकता हूँ। एक बार मेरा छिड़काव हो जाए तो मैं फफूंदी के जीवन की क्रिया को रोक देता हूँ। अगर जरूरत पड़ी तो पहले स्प्रे के 12 से 15 दिन बाद दोबारा इस्तेमाल कर लेना। अब फुटाव के समय किसान फेंडर का इस्तेमाल करने के लिए जागरूक हो रहे हैं। दोस्त फेंडर, मैं तुम्हें 300 मिलीलीटर प्रति एकड़ फुटाव के समय इस्तेमाल करूंगा और अपने फसल को शीत ब्लाइट से बचाऊंगा। आओ तुम मेरे साथ चलो। भागो भागो, किसान फेंडर लेकर जा रहा है। भागो भागो, फेंडर आ गया। इस खेत में मत घुसो, इसमें फेंडर है। दूसरे खेत में चलते हैं। फफूंद राजा, चलो चलो यहाँ से चलो, दूसरे खेत में चलते हैं। फेंडर का 300 मिलीलीटर प्रति एकड़ में फुटाव के समय करें इस्तेमाल और अपने फसल को शीत ब्लाइट से बचाएं। फेंडर, मैं हूँ किसानों का सच्चा दोस्त।